बीजेपी सरकार में भी खनन माफिया पूरी तरह बेखौफ हैं, जिसका ताजा उदाहरण लालकुआं गौला नदी के इमली घाट खनन निकासी गेट में देखने को मिला। यहां देर रात खनन माफियाओं ने गौला नदी से उप खनिज की निकासी करने वाले इमली घाट गेट में तोड़फोड़ की। यही नहीं, इमली घाट गेट का ताला तोड़कर अंदर कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तोड़ दिया। सुबह वन निगम के कर्मचारियों ने मामले की जानकारी लालकुआं कोतवाली पुलिस व वन विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत की। 6 बजे गेट पर मैं पहुंचा तो यहां पर एक गेट का ताला जो है टूटा था और जो है यहां पर जो है कंप्यूटर की सब तोड़फोड़ कर रखे थे। पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी इसकी? पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी है, FIR करने के लिए अभी अधिकारी लोगों को, उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, आएंगे तो उसके बाद जाकर के करते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, अभी नहीं पहुंचा है। कितने घंटे हो गए सूचना दिए हुए? सूचना दिए हुए तो लगभग 1 घंटे से ऊपर ही हो गया। वहीं तोड़फोड़ के बाद निकासी गेट खनन के लिए बंद कर दिया है। गौरतलब है कि खनन माफियाओं ने पूर्व में भी इस गेट को तोड़ा था। देवभूमि न्यूज के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका की रिपोर्ट।